नमस्कार, मैं हूं नवजोत, आप देख रहे हैं IBN 7। संसद में आज भी हंगामा जारी है। उत्तराखंड मामले को लेकर राज्यसभा में कांग्रेस का हंगामा जारी है। कांग्रेस के सांसदों ने सदन के अंदर सरकार विरोधी नारे लगाए और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर चर्चा की मांग की। भारी हंगामे की वजह से सदन को स्थगित भी करना पड़ा। कांग्रेस के सवालों पर राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार अल्पमत में थी। इधर लोकसभा में NIT के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सरकार से छात्रों पर उठाए हुए लाठी चार्ज पर सवाल उठाए गए, साथ ही NIT में छात्रों की परीक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इससे पहले कांग्रेस और BJP दोनों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने का फरमान सुनाया था। वहीं BJP ने दोनों सदनों के सांसदों को शुक्रवार तक सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के मामले पर राज्यसभा में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मांग उठाई कि एक प्रस्ताव के तहत इस मामले पर चर्चा हो, लेकिन सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने कहा कि रावत सरकार अल्पमत में थी। हम आते हैं राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में, आते हैं राज्य हमें चुनकर भेजते हैं। अगर राज्य में केंद्र की निर्वाचित सरकार संविधान की हत्या करे, संविधान की अवहेलना करे, पहले कहे 28 तारीख को हरीश रावत सरकार अपना बहुमत साबित करे और 27 तारीख को बेईमानी के साथ संविधान को तोड़ते हुए अगर वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करती है तो हम इस सरकार के प्रस्ताव आए। It's never happened in 68 years of independence that presiding officers convert majorities into minorities and vice versa. I know. This is the real breakdown of the constitutional machinery. 35 out of 67 members give in writing that we have voted against a bill and the presiding officer says the minority is the majority, the majority is the minority. And that is the breakdown of the constitutional machinery. If there is a discussion, we will certainly participate in, but the discussion will take place